भोपाल में भी आबकारी अफसरों व पुलिस ने शहर के आसपास अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। आबकारी व पुलिस के अमले ने दबिश देकर सैकड़ों लीटर महुआ, लहान और हाथ भट्टी शराब को नष्ट करने की कार्रवाई की। भोपाल के आसपास जंगलों, नदी नालों के किनारे सुबह 5 बजे दबिश देकर ये कार्रवाई की गई। आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। सरकार ने भोपाल में अवैध शराब के मामले में कार्रवाई न करने को लेकर आबकारी विभाग के अफसरों पर नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद आबकारी अमला पुलिस के साथ मैदान में उतरा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश कौशल ने बताया कि बेरसिया, तरावली, कंजरडेरा पर अवैध शराब पकड़ने के लिए दबिश दी गई थी। पुलिस टीम को देखकर काफी संख्या में कंजर अपने परिवार सहित जंगल की तरफ भागे, जिनका टीम द्वारा घेराबंदी कर पीछा किया गया। कंजर टपरों में 35,000 किलोग्राम के लगभग महुआ, लहान आबकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा नष्ट की गई तथा 1800 लीटर अवैध हाथ भट्टी से बनी महुआ गुड़ शराब भिन्न भिन्न टपरों से प्राप्त की गई। 15 प्रकरण आबकारी विभाग के द्वारा आबकारी एक्ट के तहत बनाए गए हैं एवं 5 प्रकरण बेरसिया पुलिस के द्वारा बनाए गए हैं। उक्त नष्ट की गई महुआ, लहान एवं जब्त की गई कच्ची हाथ भट्टी शराब की कुल कीमत लगभग 28 लाख रुपए है। शराब निर्माण एवं विक्रय करने वाले कंजरों की तलाश कर उनके विरुद्ध सख्त प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। सूचना मिलने पर कि तरावली कंजर डेरों पर अवैध शराब बन रही है, दबिश दी गई। दबिश देने पर वहां लगभग 28 लाख रुपए कीमती अवैध शराब भारी मात्रा में जब्त की गई। लगभग 35,000 किलोग्राम के लगभग महुआ लहान नष्ट किया गया और 1800 लीटर अवैध शराब हाथ भट्टी की बनी महुआ गुड़ शराब प्राप्त की गई। कुल दबिश में 20 प्रकरण बनाए गए, जिसमें आबकारी विभाग एवं पुलिस के द्वारा अलग अलग प्रकरण बनाए गए हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।